वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप किस तरीके से YouTube पर अपना डाटा बचा सकते हो। जी हाँ गाइस, आपको यहाँ पर दो सेटिंग में बताऊंगा जिससे आप यहाँ पर उस सेटिंग को ऑफ या ऑन करते हो 100% आपका यहाँ पर YouTube पर डाटा बच जाएगा। आप YouTube आपका इंटरनेट ज़्यादा ख़त्म नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताता हूँ कि किस तरीके से दो सेटिंग को ऑफ करके या ऑन करके अपना डाटा बचा सकते हो। फ्रेंड्स, आपको सिंपल तरीके से क्या करना है, आपको यहाँ सबसे पहले आपको अपना YouTube ओपन कर लेना है। देख सकते हो कि मैंने YouTube ओपन कर लिया। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पर यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। नीचे के कोने में देख सकते हो यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है अपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे। उसके बाद फ्रेंड, आप देख सकते हो कि यहाँ पर टॉप में दिखेगी सेटिंग वाले ऑप्शन दिखेगा। सिंपल तरीके से सेटिंग वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो डाटा सेविंग। फ्रेंड, सिंपल तरीके से थर्ड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है डाटा सेविंग पे। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड, आप देख सकते हो कि यहाँ पर डाटा सेविंग मोड फ्रेंड ये सेटिंग आ चुकी है। तो इसको आपको करना क्या है कि फ्रेंड इसको ऑन कर देना है। तो देख सकते हो इस सेटिंग को ऑन करने से क्या होगा कि फ्रेंड आप जो भी वीडियो देखोगे फ्रेंड आपको लो क्वालिटी में दिखेगी। तो इससे आपका डाटा बहुत हद से बच जाएगा। फ्रेंड्स, ये एक सेटिंग तो ये चुकी है। तो सेकंड सेटिंग आपको करना क्या है कि फिर से आपको डाटा सेविंग वाले ऑप्शन पर चले जाना है। उसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हो कि लास्ट में फ्रेंड यहाँ पर मोबाइल डाटा यूजेस रिमाइंडर। फ्रेंड, आपको सिंपल तरीके से इस सेटिंग पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हो कि इस सेटिंग का मतलब है कि जितना यहाँ पर आप टाइप करोगे, जितना डालोगे, उतना ही आपका यहाँ पर यूट्यूब पर आपका डाटा खर्च होगा। जी हाँ फ्रेंड, आप देख सकते हो कि MB में भी कर सकते हो या GB में भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं MB में करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने 500 MB डाल दिया। उसके बाद आपको जितना रखना है उतना रख सकते हो। जितना आपको यहाँ पर YouTube पर अपना डाटा खर्च करना है उतना रख सकते हो। तो यहाँ आप देख सकते हो 500 MB से ज़्यादा खर्च होगा अगर यूज़ होगा YouTube पर, तो मेरे को यहाँ नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए, यहाँ पर मैंने 500 कर दिया। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पर सिंपल तरीके से मैं ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पर मेरी सेटिंग हो चुकी है। तो इस तरीके से फ्रेंड, यहाँ पर ये दो सेटिंग करके आप YouTube पर अपना डाटा बचा सकते हो। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।